और दोस्तों हमारे साथ यहाँ मौजूद है हमारे एक मित्र दीपेन छेत्री, जो कि यहाँ के जयगांव के न्यूज रिपोर्टर है। दीपेन जी, यहाँ पे आप पहुँचे हैं किस लिए पहुँचे हैं, कवरेज में या वैक्सीनेशन के लिए? एक्चुअली मेरा मैं अभी बैठे हुए लाइन में। अच्छा, तो उसी के लिए बैठा हूँ। और जितने व्यूअर्स है सभी को बता दूं कि एक्चुअली अभी चल रहा है फर्स्ट डोज के लिए चल रहा है, सेकेंड डोज का अवधि भी बढ़ गया है, अभी 84 डेज हो गया है। तो करीबन 50 लेडीज को मिलेगा और 50 जेंट्स को मिलेगा। और यहाँ पर ज्यादा एक्सीस हो गया है, 50 से ज्यादा हो गया है। उन लोग को जितना आगे देर से आ रहे हैं वो लोग को नहीं मिलेगा, वो लोग को जाना पड़ेगा। जो 50 बैठे उनको मिलेगा, जो सुबह आएगा सुबह आके लाइन में रहेगा उसी को खाली मिलेगा, जो आके लाइन मिच के घुसने की कोशिश करेगा उसको मिलेगा नहीं। ये सूचना कहाँ से मिल रही है, मतलब कल तक तो कोई सूचना नहीं थी, आज सुबह सुबह कहाँ से सूचना? हम लोग को जानने में आया है कि हेल्थ डिपार्टमेंट से, हेल्थ मतलब यहाँ से लेडीज वगैरह को खबर मिला है। तो हम भी अभी आ रहे हैं, हमको भी पता नहीं, क्योंकि वहाँ पर जो आप नोटिस बोर्ड आप देख चुके हैं, नोटिस बोर्ड में क्या लिखा हुआ, सेकेंड डोज विल बी गिवन दोज हु हैव कम्प्लीटेड 84 डेज और फर्स्ट डोज नॉट अवेलेबल लिखा हुआ है। कब लगाया हुआ है वो आपको पता नहीं, पर जब अभी सुनने में आ रहा है कि फर्स्ट डोज मिल रहा है। तो जितना भी व्यूअर्स है जयगांव वासी है उनसे अनुरोध करना चाहते हैं कि सुबह आके लाइन में बैठेगा, लाइन को मिच के आगे जाने का कोशिश मत करिएगा, क्योंकि सभी को लगाना है, सभी को अपना हेल्थ देखना है, सभी को सेफ्टी बरकरार रखना है। और जितने भी लाइन में लगते हैं उनको भी यही कहना चाहता हूँ, अगर कोई व्यक्ति एक आप जन में से इन्फेक्टेड है तो आप लोग एकदम ऐसे खाक खाक कर बैठे हुए हैं तो उससे फैल सकता है, इसलिए दूरी बनाए के रखिए। अभी पता नहीं चलता है कि कौन इन्फेक्टेड है, एक महीने तक इसका ट्रेसेस कितने दिन को नहीं आएगा जो शारीरिक शक्ति है। तो ऐसे करके लापरवाही से बैठने से अब इसकी फैल सकता है, कितने दिन तो बिना मास्क के भी दिखाई देते है, ये भी है कभी यहाँ पर। तो अभी प्रशासन आ रही है। अच्छा दीपेन जी, साथ में देखा जा रहा है लॉकडाउन का समय है, एक रिस्ट्रिक्शन है, गाड़ियां नहीं चल रही है, लोग भीड़ भाड़ नहीं कर सकते, इस समय में इस तरह से हेल्थ सेंटर में जो भीड़ देखने को मिल रहा है, लोग काफी दूर से आ रहे हैं जैसे कि पता चल रहा है, तो वाहने नहीं चलने पे भी लोग इतने दूर से आ रहे हैं, लोग तकलीफ उठा रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना? यही तो मुश्किल है, अगर कल डोज दिया जा रहा है तो कम से कम एक दिन आगे नोटिफिकेशन लगाना चाहिए, तो लोग आके देख सके, नोटिफिकेशन से पता चल सके। और यहाँ हॉस्पिटल में यहाँ पर मीडिया भी है, अगर हॉस्पिटल से हम लोग को इन्फॉर्म कर दिया जाता तो हम लोग अपने मीडिया के जरिए, अपना चैनल के जरिए ये फैला देते कि फर्स्ट डोज दिया जा रहा है, ये भी नहीं दिया, इन्फॉर्मेशन भी नहीं दिया जा रहा है। तो क्या होता है कि लोग तो फर्स्ट डोज के लिए बोल के आ रहे हैं, वो एक्सीज हो जाते हैं, दूर दूर से आ जाते हैं, फिर भी लोग को लौट के चला जाना पड़ता है, तकलीफ झेलना पड़ता है। एक सिक्योरिटी गार्ड भी होना चाहिए था प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, जो इन्फॉर्म कर सके लोगों को, जो लाइन मेंटेन कर सके। और सुबह ही यहाँ पर क्या गलत हो रहा है सिस्टम की, बाद में टोकन दिया जा रहा है, एक टोकन सिस्टम करके सुबह ही देना चाहिए था, जो होते जिसको मिलने वाला है उसको मिल जाता, जो एक्सिस लोग होते हैं वो चले जाते, आके फिर घंटों घंटों यहाँ पर लाइन में खड़े नहीं रहते। सुबह एक स्टाफ होने से या तो कोई सिक्योरिटी गार्ड होने से वो लाइन मेंटेन करता है, ये भी यहाँ पर देखा जा रहा है। बहुत सारे कठिनाई है जो लोगों को झेलनी पड़ रही है। धन्यवाद दीपेन जी। जयगांव में पहली बार कड़कनाथ प्रजाति की मुर्गियां और उनके अंडे उपलब्ध है। जी हां, आपने सही सुना, बहुत सारे खूबियों और रोगों से मुक्ति दिलाने में फायदा देने वाला कड़कनाथ प्रजाति की मुर्गियां और उनके अंडे जयगांव में उपलब्ध है। संपर्क कीजिए SK फार्म, भानु भक्ता टोल, गणेश मंदिर के समीप, जयगांव। कॉल कीजिए 9800687281726319। ईमेल nigamatamin55@gmail.com। अब कड़कनाथ के साथ SK फार्म में बहुत खूबियों वाला कोयला प्रजाति की मुर्गियां भी उपलब्ध है, साथ में लोकल मुर्गी, बतख और उनके अंडे भी उपलब्ध हैं।